Hello and welcome to the Confession Room on Artists Aloud. This is the second edition of Confession Room. I'm Jesse Julka. I'll be hosting the Confession Room every month. We have a special artist this month, like we had last month. We had Salim Suleiman on Confession Room. And this month we have, again, a very special artist, like you know. She's a Sufi diva. She represents Sufi music across the globe for us. She's none other than Kavita Seth. Thank you so much, Kavita ji, on being on the show. Namaskar ji. Kavita ji, kuch bolna chahti hain aap? मैं सबको वेलकम कर रही हूँ और सबको नमस्कार कर रही हूँ. मेरी आवाज पहुँच रही है? हाँ जी कविता जी. तो हमारे फैंस भी हैं हमारे साथ, तो हम फैंस पे जल्दी ही जाएंगे. मैं आपसे पहले, सिंस ये शो का नाम कन्फेशन रूम है, आपसे मैं एक म्यूजिकल कन्फेशन चाहता हूँ शो शुरू करने के पहले. मैं बाबरा है जाने तू क्या है, जाने तू क्या सोचता है बाबरी सपने तू सोते जाए. थैंक यू सो मच. आपने श्री गणेश कर दिया चीज़ों का. और जैसे आपको पता है, हम कुछ हफ्तों से इस कन्फेशन रूम की तैयारी कर रहे थे. बहुत सारे फैंस ने आपके साथ बात करने का, यू नो, इसके लिए पार्टिसिपेट किया. हमारे साथ कुछ, आई थिंक, दो फैंस आज हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. वो दो लकी फैंस हेतल है. हेतल, कैन यू हियर अस? यस. एंड ओके, वेलकम टू द शो. And we Hi, meri awaaz aa rahi hai Hetal? Yeah, I can hear you. Hetal, aap kuch poochna chahti hain Kavita ji se? Yes ma'am, can I invite you for your concert in Ahmedabad? Sorry, it's somewhat personal. I didn't get question. Please repeat it again. Can I invite it for your concert in Ahmedabad? Please, please. I'm zarur, loving your concert. Zarur, zarur. Tashreef laiye. Hum chahte hain usko jitna zyada phaila sakein Sufi music ko. Aur jitne zyada se zyada logon ko heal kar sakein. That is my dream. Okay, thank you, ma'am. I want to come with my mom. 100%, please do come. तो इसका, तो हेतल, इसका मतलब है आप कविता जी से टिकट्स मांग रही हैं शो की? आप दोगे तो ले लूंगी मैं. ठीक है, ठीक है. हम आपको देने भी वाले हैं कुछ बहुत स्पेशल, बट इसके पहले आप मुझे बताएं आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है कविता जी का? एक तारा. ओह वाह जी वाह. क्या स्पेशल, क्या स्पेशल है इतना? क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे उस बारे में कविता जी को? एक्चुअली वो गाना मेरी फ्रेंड ने परफॉर्म किया था. वो सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसको वो गाना मैंने सजेस्ट किया हुआ था. उस गाने में क्या खास लगता है आपको? क्यों लगता है कि आपको बहुत पसंद है वो सॉन्ग? मुझे उसका पोएट्री बहुत ज्यादा पसंद है. हाँ, पोएट्री बहुत अच्छी है. आई लाइक दैट. हाँ, जावेद साहब ने बहुत अच्छा लिखा है. हर किसी को लगता है कि मेरी स्टोरी है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है वो सॉन्ग हर किसी को. So, हेतल, आप अहमदाबाद से हैं इसका मतलब? Yes, I'm from अहमदाबाद. देखो, मुझे अभी से वेलकम कर रही है 15th के लिए. हाँ जी, तैयारियां फुल ऑन है अहमदाबाद के लिए. कविता जी, आपकी कोई मेमोरीज अहमदाबाद से हैं?
जो आप शेयर करना चाहती हैं, या आप मतलब कुछ ऐसा है अहमदाबाद के साथ कोई कनेक्शन? मैं अहमदाबाद कई बार गई हूँ, वहाँ पर IIM में परफॉर्म किया था, केओस जो उनका फेस्टिवल होता है, बहुत मज़ा आया था। उसके अलावा मुझे हमारे कुछ बहुत अजीज फ्रेंड्स वहाँ पर रहे हैं, उनके साथ में जो वहाँ के जो फूड जॉइंट्स रात को आधी रात में जो टेस्ट किए थे, आई एम ऑल्सो अ फूडी, बहुत मज़ा आया था। डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स पर जा करके रियली मैं इंतजार कर रही हूँ वहाँ जा करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग चीजें खाऊंगी, मेरे मुंह में अभी भी पानी आने लगा। आपको हेतल इस बार हेतल ले जाएगी आपको। अरे वाह, इसकी क्या बात है। अभी अम्यूजमेंट पार्क का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो पूरा मेरे घर के सामने। क्या बात है, आप तो खुद में एक बहुत अच्छी एंटरटेनर लग रहे हो मुझे। हेतल, आप कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं या हम नेक्स्ट फैन के पास चलें? ओके, हमारे नेक्स्ट जो हैं वो हैं मिलन। हेलो मिलन। हाय 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 मैम, मेरे तीन क्वेश्चन हैं। जी ओके। पहला तो मैं पहले आपकी तारीफ कर दूं, क्योंकि आपकी आवाज इतनी ब्यूटीफुल, और अभी लाइव भी सुन लिया मैंने, so beautiful, it's mesmerizing, thank you so much. मेरे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट कबीर का दोहा कौन सा है, क्योंकि आपका एक एल्बम है शायद कबीर सूफियाना, कबीराना सूफियाना, तो आपका फेवरेट कबीर का दोहा कौन सा है और क्यों फेवरेट है? कबीर तो पूरा जो उनकी ग्रंथावली है दैट इज सुपर्ब। उन्होंने जितना लाइफ को लेकर के एक एक एग्जांपल जो लिया है वो इतना खूबसूरत है कि इन लोगों की में से एक चीज चुनना बहुत मुश्किल है कि मैं बोलूँ कि मुझे ये बात पसंद है या वो बात पसंद है। मुझे उनके सारे जितने पद हैं, जितने दोहे हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, चाहे कबीर हैं या मैं मौलाना रूमी को फॉलो करती हूँ, बुल्ले शाह को फॉलो करती हूँ, जिनको भी मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, गुनती हूँ, रोज की जिंदगी में थोड़ा अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ सुनते कुछ सीख पाऊँ, तो इन लोगों में से ये कहना कि सागर में से या एक मोती चुनने जैसी वाली बात है वो बहुत मुश्किल है आपके इस आंसर का एप्रोप्रिएट जवाब देना। आई लव ऑल द जितने भी कपलेट्स हैं कबीर के सारे। बात आपको इस वक्त कौन सा दोहा याद आ रहा है जो आपको लगता है कि अभी मुझे मैं एक्चुअली दो तीन दिन से एक सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कबीर का ही एक पद है जो मैं शायद गाने वाली हूँ अभी अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में, तो अभी मेरे जहन में वही चल रहा है, तब जग माया गुलाबी रंग लगाया, कि हम लोग माया के पीछे भागते हैं और जो माया है वो अलग अलग रंग दिखाती रहती है और हम लोग कहते हैं कि ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, लेकिन सब कुछ कुदरत का बनाया हुआ है। हम लोग थोड़ी देर के लिए जिंदगी में, यहाँ थोड़ी देर की जिंदगी मिली है, उसका खेल खेलने के लिए आए, उसके बाद हम लोग कहीं चले जाएंगे, फिर किसी और शक्ल में आएंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी जो जिंदगी मिली उस टाइम पर भी ईगो रखते हैं या कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अपने लिए दूसरे के लिए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज है उस गाने में। जी मेरा ये YouTube पर तो पड़ा हुआ है, मैंने एक दो बार परफॉर्म किया, बहुत पसंद है मुझे, और हेतल से स्पेशली बोल रही हूँ जरूर आए वो सुनने के लिए, वो अहमदाबाद में, आप हैं अहमदाबाद में तो आइए, नहीं तो अहमदाबाद आ जाइए इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए। पक्का मैडम, पक्का। यू हैव मिलिंद, आपके पास कुछ और? ये आपका एक और क्वेश्चन था मेरा, पूछिए। आप एक सिंगर भी हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब और क्या करना चाहेंगे? और उससे जुड़ता हुआ ये कनेक्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि आपका इंस्पिरेशन क्या है सूफी सिंगिंग में जाने के लिए, या यू आर ओपन टू अदर फॉर्म ऑफ सिंगिंग एज वेल? अलग अलग चीजों में भी मैंने ट्राई किया, जैसे फिल्मों में गाया,
मैंने उसको अपने रंग में रंगने की कोशिश की थी, तो मैं बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं हर तरीके के गाने गाना चाहती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो पोएट्री अच्छी होनी चाहिए, कलाम अच्छा होना चाहिए। और जो आपका आज के गानों में पोएट्री खराब ही हो रही है, मेलोडीज नहीं रहे। जी जी जी, पोएट्री तो बहुत ही वाहियात पोएट्री हो रही है आजकल, पोएट्री तो है ही नहीं, वो हो रहा है तमाशा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट एट ऑल पोएट्री, कुछ मन नहीं करता। और आप देखो भी उन गानों की लाइफ भी नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा टाइमिंग रहते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ खत्म। इवन आप 60s 70s के गाने अभी भी सुन रहे हो और ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी स्टिल हम लोग सुनते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं जितने पहले अच्छे लगते थे। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मेलोडी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पोइट्री। आपको एक लंबा गेम खेलना है या आप एक अच्छा म्यूजिक करना चाहते हो तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा, आप हर कुछ नहीं कर सकते सारी चीजें, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मिलन, कविता जी, मिलन ने जैसे पूछा कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप गाती भी हैं, तो मतलब मैं तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ कि ना ही आप सिंगर और प्रोड्यूसर हैं, बट आपने पिछले 2 सालों से कॉन्सर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आप उसके बारे में, आपके कॉन्सर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगी अपने ऑडियंस को? जी, मैं लास्ट 2-3 सालों से मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, बहुत मदद की, तो जब उनकी डेथ हो गई मैं चाहती थी कि उनकी उनको किस तरीके से ट्रिब्यूट दूँ, किस तरीके से ये जता पाऊँ पब्लिक में या अपने दिल को तसल्ली दे पाऊँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था। तो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड, मैं उनकी एक बर्थडे पर 10 जून को एक आनंद उत्सव के नाम से कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया, एंड उनकी डेथ एनिवर्सरी पर निर्वाणा नाम से 15 दिसंबर को जो अभी नेक्स्ट मंथ होगा, तो वो एक शुरू किया मैंने और लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की, बहुत पसंद किया उन चीज़ों को जो भी मैं ये जो भी मैंने स्टेप उठाया, और वाकई इतना लोगों ने प्यार दिया है, तो इस तरीके से पता नहीं कुदरत मुझसे क्या क्या और करवाने वाली है, लेकिन हाँ आपके आपने जैसा कहा तो मैं एक वाकई एक ऑर्गेनाइजर भी बन गई हूँ, ये अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, आई नेवर थॉट। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सीधे जाता है आपके नए एल्बम पे डांस विद खुसरो, वीडियो को तो बहुत अच्छे व्यूज आ ही रहे हैं, इट्स अ ऑफबीट वीडियो जो नया वाला है राज रंग है, कुछ इस एल्बम के बारे में हमें बताएं, आपके फैंस और हमें बताएं कि क्या है स्पेशल, क्या है इस एल्बम के बारे में और कैसे कनेक्ट है हमारा इसके साथ। जी जी, एक हमने भी नहीं सोचा था, मैंने अभी भी जब मैं कनिष्ठ से बात करती हूँ या घर में इसके इस एल्बम के बारे में ट्रांस विद खुसरो के बारे में जब डिस्कशन करती हूँ तो मुझे लगता है कि कई बार होता है कि वो जो प्रोजेक्ट होता है वो आपको चुनता है, जैसे मुझे लगता है कि खुसरो ने मुझे चुना इस प्रोजेक्ट के लिए और हमने ऐसा किया। कनिष्ठ जब 4 साल पहले नया नया म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे थे तब उन्होंने मुझे एक लूप पे कुछ चीज़ें दी और मैंने उसके एक आज रंग ये सबसे पहले सॉन्ग गाया था और एक वही टेक उन्होंने अभी इस एल्बम में भी रखा है एज इट इज़, वो उनका मानना है कि वो बहुत ही बेहतरीन मैंने गाया था, ऐसा कनिष्ठ कहते हैं, और वो अच्छा बना, उस पर उन्होंने काफ़ी कई बार बनाया कई बार बिगड़ा वो सॉन्ग, उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की, उसके बाद मैंने कहा कि चल एक सॉन्ग और ट्राई करते हैं, मेरे पास एक और कॉम्पोजिशन है, देन आई ट्राइड चश्मे मस्ते अजब, ये पर्शियन सॉन्ग है अमीर खुसरो का, अच्छा बन गया, मैंने कहा चलो एक और करते हैं, मतलब ऐसे से करके वो किस्तों में एल्बम कंप्लीट हुई, एपिसोड में हमने नहीं सोचा था। और जैसा कि अभी सिनेरियो है कि एल्बम्स नहीं बन रही हैं, सिंगल्स रिलीज हो रहे हैं या एक एक दो दो करके सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो इवन हम जितने लोगों से बात की सब कंपनीज भी यही बोल रही थी कि आप सिंगल रिलीज करो, मैंने कहा नहीं, हमने इसको बहुत मेहनत की है 4 साल, वी विल रिलीज फुल फ्लेज एल्बम, दैट्स व्हाई ये तरीके से शेप ले पाया। और हम चाहते थे कि जैसे मेरा मानना है कि हमें खुदा ने एक अच्छा दिमाग दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, तो हम उसका सही इस्तेमाल करें, हम अपने म्यूजिक के जरिए अच्छी चीजें समाज को दे सके, एक साफ सुथरी पोइट्री, एक अच्छा म्यूजिक पहुंचा सके, हमने इसलिए अमीर खुसरो को चुना और उनकी सूफियाना पोइट्री चुनी और कोशिश की, हमने वीडियो में भी जो आज रंग का वीडियो लिया है उसमें हमने कोशिश की कि हम उसमें भी एक मैसेज दे पाए कि
हेल्दी लाइफ जीने के लिए कि बी वेजिटेरियन, अपने स्वाद के लिए किसी को मारे नहीं, डोंट किल टू गेट अ लाइफ, उसका एक मैसेज हमने कोशिश की समझाने की, तो बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं. बहुत खुशी है कि हमने, मैंने और कनिष्क ने भी इस एल्बम पे मेहनत की और आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो आई एम ब्लेस्ड. कविता जी, अभी एल्बम के बारे में आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इनसाइट्स, जो ये एल्बम 5 सालों से बन रहा था इसके बारे में आपने इतनी सारी इनसाइट्स हमें दी हैं, एंड आई एम इन कम्प्लीटली लव एंड ऑफ दिस एल्बम, एंड लेट मी टेल यू ऑल द फैंस हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्टेस्ट आर गेटिंग एन ऑटोग्राफ्ड सीडी फ्रॉम कविता जी, सो लेट्स गिव इट अप फॉर दैट. सो विनर्स मिलिंद, काल, शुभजीत एंड कन्हैया, थैंक यू सो मच, एंड यू गोना लव दिस सीडी. आपको कविता जी को लाइव देखने के लिए तो उनके कॉन्सर्ट्स पे जाना पड़ेगा ही, बट कविता जी इस एल्बम से 2 लाइन आपके फेवरेट सॉन्ग की हो जाए अब. मुझे तो माँ के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, बहुत मुश्किल है एक गाना सेलेक्ट करना. आई विल सिंग 2 लाइंस फ्रॉम आज रंग है. आज रंग है ए माँ, रंग है री हरी हरी सखी मोरे महबूब के घर, रंग है री आज रंग है, आज रंग है, आज रंग है, आज रंग है री. बहुत बढ़िया बढ़िया. मैं कविता जी, आज आप कन्फेशन रूम पे, आर्टिस्ट अलाउड कन्फेशन रूम पे आई हैं, तो आई ये एल्बम इज रियली वेरी स्पेशल फॉर यू, ये मैं जानता हूँ. मैं ऑल्सो फैंस और जो भी देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि कविता जी के जो यंगेस्ट सन है उन्होंने ये एल्बम प्रोड्यूस किया है, गणेश. सो कविता जी, कनिष्क का एक्सपीरियंस और हाउ डिड इट हैपन फॉर हिम आल्सो, आई मीन लाइक दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन उसके लिए ये एल्बम, और आपके साथ उसने मतलब उसके मौका मिला क्योंकि आप तो मॉम है उसकी, तो कैसा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और उसके बारे में बताइए मुझे कनिष्क के बारे में एज अ प्रोड्यूसर. मुझे, हम लोगों ने जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये इंसिडेंटली इस तरीके की चीज हुई, और मैं बहुत ओपन हूँ हर जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो कनिष्क हो, वो मेरे बेटे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसलिए उसके साथ काम किया. मैं जितने भी नए अपकमिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, अपकमिंग अरेंजर्स हैं, अपकमिंग प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, आई एम वेरी ओपन फॉर ऑल. कनिष्क लकीली कि वो घर में ही थे और वो नया नया सीख रहे थे, तो हमने कहा कि हमारी ड्यूटी बनती है एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर, एज ए गार्जियन, कि हम उनको सही तरीके से गाइड करें. तो मैंने उनको एक मौका दिया कि आप इसको शुरू करो, इस काम को, भले कितना वक्त लगे लेकिन बेहतरीन होनी चाहिए. और इस तरीके से उन्होंने वाकई कुछ ज्यादा ही वक्त लिया, इतना इंडस्ट्री में कोई टाइम नहीं देता है. 4 से 5 साल यहाँ तो जब हम लोग रिकॉर्डिंग्स के टाइम पर जाते हैं, लोग बोलते हैं कि मैम आ जाओ आधे घंटे में गाना रिकॉर्ड करना, वही याद करो वही गा दो. और इस एल्बम पे तो 4 to 5 years मैंने कनिष्क को वही बोला, तो जब आना शुरू करो इतना वक्त कोई नहीं देगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए. लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी चीज जो होती है, वो कहते हैं ना सहज, जो आप सहज पके धीमे, जो धीमे पकती है, धीमी धीमी आंच पे पकती है, तो उसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है. तो उसी तरीके से इस एल्बम को हम लोगों ने, हमारे अंदर मैं कहती हूँ ग्रो हुई है वो एल्बम, और एक एक गाना, इतने साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, एक दिन एक सेकंड को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार फेडअप हो गए इस एल्बम पे काम करते करते, कुछ और कर दे, एक सेकंड को भी नहीं लगा. तो ये कुछ चीजें बन जाती हैं जो टाइमलेस होती हैं, वो हम रहे ना रहे वो मौजूद रहेंगी दुनिया में, ऐसा मेरा मानना है. कविता जी, कनिष्क ने इसमें बहुत सारे ट्रांस के एलिमेंट्स भी लाए हैं, जैसे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, शेयर करना चाहूंगी कि एर्मिन वैन ब्यूरिन जो ट्रांस के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कनु नहीं, कनिष्क का निकनेम कनु है, मैं प्यार से कनु बोलती हूँ, तो उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि ये ट्रांस म्यूजिक होता है. और उन्होंने वाकई में उनको बहुत बहुत उनसे इंस्पायर हो रहे थे, काफी सारी चीजें उनसे सीखी, उनका म्यूजिक सुन सुन के, जैसे स्पेशली आज रंग है, घर नारी अनारी ये सॉन्ग है, मन कुन तो मौला है, यारे मन बया बया, उसको उसने
कवाली के अंदाज में आज तक लोग गाते आए हैं उसको हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो ट्रांस म्यूजिक में लगेगा और इतना बेहतरीन तरीके से उसने सजाया है उसको कि सोल मौजूद है कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ओनली ट्रांस है बिल्कुल एक कनेक्टिविटी बनी रही है कंटिन्यू एक आपको ट्रांस सुन करके भी आपको लगता है कि यू कैन मेडिटेट विद दीस सॉन्ग्स दैट इज द ब्यूटी एक जो सूफिज्म है प्लस ट्रांस म्यूजिक और अमीर खुसरो की पोएट्री उस पर से मेरा गाना मतलब ये सारे एलिमेंट्स उसमें मिल गए लेकिन वो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि वो खिचड़ी या सांभर या कुछ इस तरीके से बन गया बहुत खूबसूरत चीज बन गया ये सामने इस एल्बम से क्रॉसओवर वाली फीलिंग आ रही है मतलब मैंने एल्बम जब पूरा सुना तो ऐसा लगता है कि ये पूरा क्रॉसओवर एल्बम है सूफी म्यूजिक से लेके चिल आउट डाउन टेम्पो मेलेडी इंटरनेशनल आई मीन मैं एक्चुअली एक इसमें डाला जाए तो ये वर्ल्ड फ्यूजन भी बन गया जी 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 ये बस बन गया सोचा कुछ नहीं था बस अपने आप उसमें कलर जोड़ते गए और वो नया ही रंग क्रिएट हो गया आई एम श्योर हम ही नहीं बट इंटरनेशनली भी लोग ये पूरा एल्बम आजकल तो डाउनलोड नहीं करते तो सुनेंगे स्ट्रीम करेंगे जहाँ पे भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ट्रांस विद खुसरो ये एल्बम को स्ट्रीम करेंगे आपका नया जो वीडियो आया है आज रंग है उसको सारे चैनल्स पे जो चल रहा है वहाँ देखेंगे और पूरा म्यूजिक को हम जैसे सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें सपोर्ट करेंगे और जितने भी नए एल्बम्स आ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि नया वीडियो पे भी आप काम कर रही हैं जी हाँ इसके एक और सॉन्ग है जब यार देखा नैन बार बहुत प्यारा बहुत ड्रीमी सा सॉन्ग है वो उस पे हम लोग कुछ नया तरीके से उसको लेकर के आना चाह रहे हैं उस पे एक एनिमेशन वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो भी आप लोग जल्दी ही देखेंगे बहुत शुक्रिया है वो भी तो कविता जी मैं आपके मतलब अभी थोड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट पे आना चाहता हूँ हम थोड़ी देर पहले बैठे थे आपने कहा कि आप द ऑल टाइम लेजेंड गुलजार जी के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसके बारे में कुछ बताएं क्या है जी जी हमेशा से मेरी तमन्ना थी कि मैं कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के कुछ उनकी आवाज को उनकी पोएट्री को किसी तरीके से मैं यूज कर सकूँ तो लकीली मैं मौलाना रूमी को डेली पढ़ती हूँ उनको फॉलो करती हूँ इतना बेहतरीन उन्होंने लिखा स्पेशली इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में उनको नहीं उतना लोग नहीं जानते बहुत लिमिटेड लोग हैं जो उनको पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं तो मैं चाहती थी कि उनकी पोइट्री को गुलजार साहब ट्रांसलेट करें जो पर्शियन में लिखी हुई है हिंदी और उर्दू में और रिसाइट भी करें तो वो तैयार हो गए लकीली हमारी एक मीटिंग उनके साथ हुई और वो रेडी हैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बहुत जल्दी हम ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जो आप लोगों को नज़र करेंगे हम मुझे लगता है कि ये मेरे सबसे बड़ा और सबसे अजीज प्रोजेक्ट होगा जिसमें गुलजार साहब एंड मौलाना रूमी दो लीजेंड साथ में होंगे आई एम ब्लेस्ड कि खुदा मुझे खुद चुन चुन के चीजें दे रहा है ये करो ये करो ये करो कविता जी आर्टिस्ट अलाउड की तरफ से और फैंस की आपके फैंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए और आई एम श्योर के इसे बहुत सारे ज्यादा प्रोजेक्ट्स 2015 में आपके आने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली आगे आप एक म्यूजिकल मुझे शायद गलत समझ में आप क्लैरिफाई कर सकती हैं आप अमृता प्रीतम उनकी भी पोइट्रीज के या स्टोरीज कर रही हैं तो उसके बारे में भी कुछ बताएं हमें जी हाँ अमृता प्रीतम को मैंने पढ़ा बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी रही है और खासतौर से जब मैंने उनके बारे में जब उनकी पोइट्री पढ़ी तो मैंने देखा कि उनको बहुत कम लोगों ने गाया बहुत कम है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं उनकी आज अखान वारिश शाह तो एक दो पोइट्री हैं जो बहुत पॉपुलर हैं या लोगों ने गाई हैं तो मैं उनकी जब मैंने पोइट्री पढ़ी तो मुझे लगा मुझे इनके ऊपर भी एक काम करना चाहिए तो एक प्रोजेक्ट में अमृता प्रीतम जी की पोइट्री को लेकर के कर रही हूँ और उसको मैं ग्लोबली उसके कॉन्सर्ट्स आई एम प्लानिंग और उसको पूरा दुनिया में मैं उनकी जो पोइट्री है उसको पंजाबी में उन्होंने लिखा पंजाबी में भी उसकी जो ट्रांसलेशन है हिंदी में मैं दोनों जुबानों पे काम कर रही हूँ और उसको मैं आवाम के साथ अपनी ऑडियंस के पास लेके जाना चाहती हूँ कि एक से एक बेहतरीन चीज़ें हमारे हिंदुस्तानी लिटरेचर में है इंडिया के लिटरेचर में इट्स फ्लडेड बट हमें अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के जस्ट आप तक पहुँचानी है वक्त जा रहा है
मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी कर सकूँ उतनी जल्दी पहुँचाऊँ, इतना वक्त नहीं लूंगी जो इस अमीर खुसरो के एल्बम को लिया था. आई विल ट्राई टू डू एज फास्ट एज आई कैन. और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने अपने नए फेस्टिवल के बारे में आप जो सोच रहे हैं वो अपने फैंस के साथ बताएं, जैसे आपने मुझे मुझसे शेयर किया एक नया फेस्टिवल आप सोच रहे हैं कि सूफी फेस्टिवल हो. सो बहुत सारे लोग इंडिया में सोचते हैं कि सूफी फेस्टिवल हो, आपका जो थिंकिंग है आपका जो थॉट है मुझे बहुत यूनिक लगा. तो आप क्या ये राइट प्लेटफॉर्म है, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या होगा. मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता है सूफी म्यूजिक या सूफी लिटरेचर और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और होती हैं, जस्ट फॉर एक अवेयरनेस. और उसमें मैं चाहती हूँ कि सारी जितनी भी प्योर सोल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो सब वहाँ इकट्ठी हों, दो या तीन दिन का फेस्टिवल हो, लिटरेचर की बात हो, म्यूजिक की बात हो, डांस की बात हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक फेस्टिवल काफ़ी सालों से 10-12 साल से जहन में चल रहा है. मुझे लगता है वो अंदर ग्रो हो रहा है, इसलिए शायद वो बाहर आना चाहता है, जैसा मैंने जिसकी आपसे जिक्र भी किया था. तो मैं 2015 से आई एम प्लानिंग और इंशाल्लाह जल्दी ही इसको बहुत अच्छी शेप देंगे. और उसमें मैं इंडिया की और ग्लोबली जितने भी बेहतरीन जो सूफी आर्टिस्ट हैं उनको उस पर लाना चाहती हूँ कि हम लोग 3 दिन सिर्फ उस ट्रांस में, उस सूफी जोन में रहें जहाँ हमें अपना होश न रहे, सिर्फ उसी रंग में रंगे रहें, ऐसा मैं चाहती हूँ. और उसको फिर मैं चाहती हूँ कि इंडिया के साथ साथ मतलब इंडिया में हम अलग अलग सिटीज में लेके जाएं, फिर उसको ग्लोबली उसको जितना ज़्यादा हम उसको पीस हारमोनी सर सिर्फ वही मकसद है सूफी म्यूजिक में, वो हम पहुँचा सकें, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुँचा सकें. मोमेंट फेस्टिवल होता है उस तरीके से इमेजिन करती हूँ अपना ये सूफी फेस्टिवल. बड़े बड़े सपने हैं मेरे. कविता जी मैजिक से याद आया, ये आलम में जो आपने मैजिक किया है, मेरा फेवरेट सॉन्ग मन कुंतो मौला. दो लाइन है उसकी और फिर हम आगे बढ़ेंगे. मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, आजालियुन मौला मौला, आजालियुन मौला मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मौला अली मौला, मन कुंतो मौला. थैंक यू सो वेरी मच कविता जी. आप कन्फेशन रूम पे आई हमारे साथ, आर्टिस्ट लाउड कन्फेशन रूम पर. थैंक यू सो मच. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. पितल अच्छे से मिले. थैंक यू. शुक्रिया.